एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने एक बयान में राफेल पर प्रधानमंत्री मोदी का बचाव किया तो उन्हीं की पार्टी के तारिक अनवर नाराज हो गए और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। सवाल है कि क्या ये 2019 से पहले महागठबंधन के बदलते समीकरणों का संकेत है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी का जो बयान आया उससे मैं असहमत हूँ, दुखी भी हूँ और दुर्भाग्यपूर्ण भी मानता हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री को एक क्लीन चिट देने की कोशिश की, उसके बाद मेरा एनसीपी में बने रहना मुश्किल है। तो कभी शरद पवार के साथ एनसीपी की नींव डालने वाले तारिक अनवर अब शरद पवार की वजह से ही पार्टी से अलग हो गए हैं। कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने पार्टी के साथ साथ अपनी लोकसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। एक बात का एक इस्तेमाल करके हमारे मित्र तारिक जी ने इस्तीफा दिया है, हमें बड़ा आश्चर्य होता है, खेद भी होता है। इतना स्पष्ट है कि शरद पवार जी ने किसी को भी कोई क्लीन चिट देने का काम नहीं किया है और उन्होंने स्पष्ट इतना कहा है कि किसी पर भी बेबुनियादी आरोप लगाने के पहले पूरी इसकी जांच होनी चाहिए। दरअसल शरद पवार ने एक इंटरव्यू में राफेल से जुड़े सवाल पर कहा था कि व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि पीएम मोदी की नियत पर देश के लोगों को कोई शंका नहीं है। पवार के इसी बयान से नाराज होकर तारिक अनवर ने पार्टी छोड़ दी। तारिक अनवर राफेल पर कांग्रेस के आरोपों को सही मानते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या शरद पवार और उनकी पार्टी एनसीपी राफेल को लेकर कांग्रेस के साथ नहीं है और क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि 2019 से पहले एनसीपी और कांग्रेस के रास्ते अलग हो रहे हैं? हालांकि कांग्रेस ऐसा मानने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दोनों पार्टियों में मतभेद डालने के लिए किया गया षड्यंत्र है। शरद पवार साहब ने खड़गे साहब को कहा कि उन्होंने बाकायदा सरकार से ये कहा कि जहाज की कीमत 3 गुना कैसे बढ़ गई, इसका जवाब मोदी जी को और सरकार को देना पड़ेगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।